अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद अब ठीक हूँ, तो आप लोगों के से दूर रहा नहीं जा सकता। तो मैं मार्केट आया हूँ बिलालगंज लाहौर में, तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गाड़ियों का काफ़ी सामान नया आया है और विजिट करवाते हैं आपको। और काफ़ी देर के बाद मार्केट का विज़िट हो रहा है, ले जी चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामान नया आया है। और मेरे चैनल अर्पण मौला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक और गोदाम में यहाँ पे मौजूद हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे तमाम सूडान कार्स हैं, 4x4 और जैपनीज कार्स हैं। और ये देखें जी यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हैं जी? ठीक हैं। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी गाड़ी का सामान है? SUVs में जितनी भी हैं, किया हुंडई में जितनी हैं, और हैवर ग्लोरी है, विजो 14 है, इस तरह की सारी SUVs, सेडान, सोनाटा। अच्छा, वो भी सारी कार। ठीक है। और हैवल MG, और हैवल ग्लोरी, MG ZS, किया स्पोर्टेज, हुंडई टोसोन। ठीक है, सारी कार। सही है। अच्छा, ये जो है इसकी, ये बैक नोज कट है ये वाली? ये बैक कट कहते हैं इसे, हुंडई। अच्छा, की बैक कट है ये। अच्छा, कंप्लीट बैक कट है। अच्छा, तो ये कितने की है? ये तकरीबन 4-5 लाख ये प्राइस होती है इनकी, मौके पे कमी पेशी हो जाती है। सही है। और ये कौन सी है? ये हैवल S6 है, HEV। ठीक है। और ये वाला कौन सा मॉडल है? हैवल का जूलियन है। हैवल जूलियन, ठीक है। इसमें दो वेरिएंट आए हुए हैं, हैवल S6 है और एक हैवल जूलियन है, एक हाइब्रिड है HEV। अच्छा, एक साथ ही है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें नोज कट, बैक जो नोज कट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पूरी गाड़ी होती है, बैक कट, फ्रंट कट, छत होती है, 4 डोर होते हैं इसके। अच्छा, कंप्लीट गाड़ी आती है। अच्छा, ये मतलब जो है कंप्लीट, अंदर इसकी सीट्स वगैरह भी होती हैं, बैक सीट्स वगैरह, पूरी गाड़ी होती है। पूरी गाड़ी होती है। अच्छा, ये बम्पर वगैरह जो आगे पड़े हुए हैं, ये तमाम हैवल के पड़े हुए हैं? चैरिक है, चैरिक है, फिर हुंडई सेंटा फे का। अच्छा, किया स्कॉर्पियो का। अच्छा, HEV का। अच्छा, सही है। और इसमें ये आपके पास ये दरवाजे वगैरह कौन सी गाड़ी के पड़े हैं? अच्छा, तो इसके आपके पास ये चारों दरवाजे जो हैं, ये कितने के हैं इसके? इसका दरवाज़ा मिल जाएगा 60-70। इसमें ये शीशे वगैरह भी लगे होते हैं साथ? ठीक है। और ये वाला फ्रंट नोज कट किसकी है? ये वाली पूजो गाड़ी। ठीक है, ये बगैर इसके जो है इंजन के जो है ये 2008। ठीक है। और ये वाला MG का? MG HS। ठीक है। अच्छा, आपके पास गाड़ी वगैरह के इंजन वगैरह भी हैं इसके? सारी पूरी गाड़ी आती है, ऑल एक्सेसरीज हमारे पास, इंजन के साथ पूरी नोज कट आती है। अच्छा, ये जो इंजन पड़ा हुआ है, ये कौन सी गाड़ी का पड़ा हुआ है? ये CL9 का पड़ा हुआ है, होंडा CL9 हैवल का। CL9 होंडा में आती है। अच्छा, होंडा CL9 का। ठीक है। और इसके अलावा ये कौन सी नोज कट पड़ी हुई है? ये किया सोरंटो है ये। अच्छा, किया सोरंटो। अच्छा, किया स्टोनिक है। अच्छा, और किया आगे MG है। अच्छा, उससे आगे भी MG ZS है छोटी वाली। अच्छा, सही है। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ें वगैरह जो है, इसके इंटीरियर वगैरह, ये का जैसे एक्सेसरी होती है ना, इन्हीं के एक्सेसरी इनके बीच में रख देते हैं। अच्छा, ताकि हमें निकालने में ईजी हो। सही है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा छोटा सामान जो पड़ा हुआ है, ये किस चीज़ का? ये पीछे नोज कट किसकी पड़ी हुई है? बैग ग्रैंड कार्निवल की पड़ी हुई है, किया कार्निवल, ग्रैंड कार्निवल। अच्छा, 7 सीटर। ठीक है। ये देखें जी, इनके पास ये बैक ट्रंक वगैरह भी हैं, और फ्रंट जो है इनके पास बम्पर वगैरह और फ्रंट लाइट्स वगैरह की भी वसी रेंज जो है ना बाइक के पास है। अच्छा, ये लाइट्स वगैरह की क्या प्राइसेस है? MG की जो है मुख्तलिफ रेट हैं, किया के अलग हैं, MG के अलग हैं, हैवल के अलग हैं, सब के मुख्तलिफ। मतलब राउंड अबाउट कितने तक की मिल जाती है MG की? 50,000 से लेके 1 लाख तक मिल जाती है जोड़ी जो है ये। सिंगल जी? सिंगल भी होती हैं, अलग अलग रेट होते हैं। अच्छा, अलग अलग रेट होते हैं। सही है। ले जी, हम मौजूद थे
अली इंटरप्राइज पर और अली मलिक जो हैं इनसे आप रابطہ करके मज़ीद गाड़ियों की मालूमात ले सकते हैं। और इनका बहुत बड़ा गोदाम है जिस पे जो है ना ये हर चीज़ इनकी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आपको दिखाया है हमने। और इनके पास इसकी रूफ़ वगैरह भी ऊपर पड़ी हुई है, ये देखें, और इसकी फ्रंट, इसके बम्पर्स वगैरह, इसके बैक नोस्कर्ट और इसके टायर रिम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक छत तले जो है ना इसका इंजन वगैरह, आपको इसकी छोटी छोटी जो ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं, रेडिएटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसके ये रिम वगैरह पड़े हुए हैं। और ये देखें काफ़ी छोटी छोटा सामान है जिस पर आप रابطہ करके मज़ीद जो है ना वो भाई से रابطہ कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ले जी आपको दिखाते हैं लैंड क्रूज़र प्राडो का सामान, और काफ़ी सामान नया आया है, रिम वगैरह, टायर वगैरह। और ले जी ये देखें रिम वगैरह पड़े हुए हैं, और ये लाइटें वगैरह, और इसके तमाम अगली फ्रंट लाइट्स, बैक लाइट, बम्पर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह की तरफ। अच्छा आपके पास कौन कौन सा सामान है? हमारे पास आर12, टोयोटा प्राडो, ZX, TX, V8, लेक्सिस, अच्छा सारा सामान है, सही है। और टायर्स वगैरह की भी आपके पास वैरायटी है, रिम वगैरह भी पड़े हुए हैं आपके पास? ये तो रोको के रिम है, तो वो है। अच्छा तो ये कितने इंच के रिम है ये उसके? ये 18 का। अच्छा न्यू मॉडल, जो न्यू मॉडल रोको है ना उसकी। अच्छा न्यू मॉडल रोको के। तो ये कितने का चौकड़ा है इसका? ये चौकड़ा तकरीबन 3.5 लाख रुपये का है। 3.5 लाख रुपए का, सही हो गया। आजकल लोग स्लिप कर रहे हैं ना, उसमें चेना लगाते हैं, चेना टूट जाती है। अच्छा अच्छा, ये जेन है, सही है। अच्छा ये बम्पर वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, ये कौन कौन से बम्पर पड़े हुए हैं? ये जो है ये ZX न्यू मॉडल का है, सबसे ऊपर जो पड़ा है लेटेस्ट मॉडल के। अच्छा हाँ, ये फिर 14 मॉडल का है। अच्छा ये भी न्यू मॉडल का है। अच्छा और ये भी 14 मॉडल का है। अच्छा प्राइजेस बताइएगा, इसकी प्राइस क्या है? ये ऊपर वाला तो तकरीबन आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का। अच्छा ये नीचे वाला 1 लाख रुपए का। अच्छा ये भी तकरीबन कोई 2 लाख रुपए का है। अच्छा हाँ, ये नीचे ये वाला 1 लाख रुपए, सही हो गया। और ये वाले जो है ये कौन कौन सी गाड़ियों के? ये जो ये 14 प्राडो के हैं। अच्छा ये 14 प्राडो के। अच्छा ये V8 है, 8 मॉडल का। अच्छा ये 2005 ग्रैंड का है। अच्छा और ये लेटेस्ट मॉडल जो प्राडो है उसका, प्राडो का। ये कितने का लेटेस्ट मॉडल का? ये तकरीबन 2.5 लाख रुपये का। अच्छा 2.5 लाख रुपये का, ठीक है। अच्छा ये आपके पास दरवाजे वगैरह भी हैं, और इसकी फ्रंट जो ये बोनट है ये कितने का है और कौन से मॉडल का है? ये 1 लाख रुपये का बोनट है, 6 प्राडो का है, 2006 मॉडल का। और ये दरवाज़ा जो है ये सिग्नस का है। सिग्नस का हाँ। है। और इससे अगला जो पड़ा हुआ है ये किसका पड़ा हुआ? ये 14 मॉडल का, 40,000 रुपये का बोनट है। 40,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा ये आगे जो बोनट पड़े हुए हैं चार V8 ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन, तकरीबन सारा टोटल एपिसोड जो। अच्छा तो प्राइस क्या है इसकी? ये मुख्तलिफ है, जो बिल्कुल फ्रेश है जिसमें खराश वगैरह नहीं है वो तकरीबन 1 लाख रुपये का है, और जिसमें खराश वगैरह होते हैं 60-70 हज़ार रुपये भी है। 60-70 हज़ार का, सही, ठीक हो गया। अच्छा ये बोला बोनट जो पड़ा हुआ है ये किसका पड़ा हुआ है? हाँ ये 2005 मॉडल के उसके हैं, लैंड क्रूज़र के हैं। इसके क्या प्राइस है? ये तकरीबन है 60-70 हज़ार रुपये तक है। 60-70 हज़ार का। अच्छा ये पीछे जो है ना प्राडो का जो टायर की जो होती केसिंग होती है, जी जी जी, ये स्टेपनी कवर है, ये 15,000 रुपये का। 15,000 का, सही है। अच्छा ये आपके पास ये अगली ग्रिल पड़ी हुई है लेक्सस की, टोयोटा क्रोला और प्राडो वगैरह की, तो ये नए मॉडल की ग्रिल है ये वाली जो है? हाँ ये इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन कुछ 40-45 हज़ार रुपये का। 40-45 हज़ार, ठीक है। अच्छा ये पैकिंग में क्या चीज़ पड़ी हुई है? ये रेडिएटर है जिसमें पानी नहीं डालता। जी जी, ये उसका है, ये 98 प्राडो का है। अच्छा हाँ, प्राइस क्या है इसकी? ये मिलेगा 25,000 रुपये का। 25,000 का, वो 6 प्राडो के हैं। अच्छा 2006 प्राडो के हैं। 30,000 रुपये। अच्छा ये 30,000 का, अपने पैकिंग अभी तक हम बोले नहीं, जैसे जापान से है। हाँ हाँ, अपने पैकिंग में बोले भी हमने नहीं, सही है। अच्छा ये डिग्गी जो है ये कौन से मॉडल की है? ये 98 प्राडो की है। 98 प्रोडक्ट, क्या प्राइस है इसकी? 45,000 रुपये की है। 45,000 की। अच्छा ये डैशबोर्ड्स वगैरह भी पड़े हुए हैं आपके पास, कौन कौन से मॉडल के हैं? ये डैशबोर्ड ये 6 प्राडो का है तकरीबन, ये 2 लाख रुपए का है। अच्छा हाँ, ये रियो का है। जी रोगो का, ये तो 1.5 लाख रुपए का है। अच्छा हाँ, ये जो V8 है ये उसका है 5.5 लाख रुपये का। अच्छा ये उसका सिग्नस का है। अच्छा 3.5 लाख रुपये का। 3.5 लाख का, सही है। और ये आपके पास लाइटें वगैरह भी पड़ी हुई है इसकी, प्राडो की, ओल्ड मॉडल की? ये नहीं मॉडल जो वी है ना ये उसकी लाइट है, ये तकरीबन अच्छा। जोड़ी मिलेगी आपको 7 लाख रुपये की, और ये ग्रैंड वाली जी है ये तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये की। 50-55 हज़ार की। अच्छा इसके ये व्हील के जो होते हैं कवर वगैरह जिसमें ये मतलब व्हील कैप जो है ये कितने का है? ये वाले 1,000 रुपये का है।
اچھا 4000 کے جوکڑا ملے گا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فینڈر وغیرہ کون سے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ فینڈر یہ پراڈو کے ہیں، ویئر کے ہیں۔ اچھا کیا پرائزز ہے اس کی؟ یہ پر پیس تقریباً کوئی 45-50 ہزار روپئے ہے۔ 45-50 ہزار۔ اچھا اس میں آپ کے پاس یہاں پہ چھوٹا چھوٹا سامان پڑا ہوا ہے اس کا، یہ اگلی آگے جو سٹیئرنگ ہوتا ہے اس کے، انڈیکیٹر، سٹیئرنگ، یہ اور یہ اس کے، یہ اس کا اے بی ایس ہے۔ یہ کون سی گاڑی کا اے بی ایس ہے؟ 5 ماڈل کا لینڈ کروزر ہے، سگنس کو بھی لگتا ہے۔ اچھا یہ کتنے کا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے کا ایک پیس ہے۔ اچھا اور یہ والا سروا جو ہے، سروا جو ہے نا، یہ ملے گا تقریباً 30 ہزار روپے کا۔ 30 ہزار کا، صحیح ہے، صحیح۔ اور یہ اس کے جو ہے نا ایئر کلینر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ سارے اس کے پرفیوم سامان ہیں۔ اچھا اچھا یہ اس کے لاک وغیرہ اکثر یہ خراب ہو جاتے ہیں، یہ یہ کون سی گاڑی کے ہیں؟ یہ اس میں زیڈ ایکس والا بھی ہے، پراڈو کا بھی ہے، نیا ماڈل کا۔ اچھا صحیح ہے۔ یہ کنسول وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اس کے آگے؟ یہ فریج ہے جو ہے نیا، ویئر نہیں ہے فریج، جی جی، کنسول جو اس میں وہ آپ دوائی بھی رکھ سکتے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا یہ فریج جو ہے، یہ یہ مطلب جو ہے یہ کتنے کی ہے؟ 1,20,000 روپئے کا فائنل ہے۔ 1,20,000 کا۔ اچھا یہ سائڈ مررز جو پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، یہ کون کون سی گاڑی کے پڑے ہوئے ہیں؟ مختلف گاڑی کے، 6 پراڈو کی بھی ہے، یہ گرینڈ کی بھی ہیں۔ اچھا تو کیا پرائز ہے اس کی، کیا پرائز ہے؟ یہ 30,000 روپئے کی جوڑی ہے۔ 30,000 کی جوڑی، یہ تقریباً 50,000 روپئے کی جوڑی ہے۔ اچھا 50,000 کی جوڑی ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ سیٹیں وغیرہ آپ کے پاس، یہ کون سی گاڑی کی ہیں؟ یہ سگنس کی سیٹیں ہیں، یہ آٹو والی سیٹیں جو جو آج کل لوگ جو لیٹسٹ ماڈل بنا رہے ہیں نا، جی جی، جو 2005 کو 2018-20 ماڈل بنا رہے ہیں، جی جی، آٹو والی یہ اس کی ہے۔ یہ کتنے کی ہے اس کی مکمل؟ آگے دو درمیان والی، یہ تقریباً ہم دیتے ہیں 2.5 لاکھ روپئے کی دیتی ہے۔ اچھا 2.5 لاکھ کی، صحیح ہو گیا۔ یہ اس کی اسٹیئرنگ ہے، نیا ماڈل اسٹیئرنگ لوگ لگاتے ہیں۔ اچھا یہ کتنے کا ہے؟ یہ 1 پیس 60,000 روپئے کا ہے۔ 1 پیس 60,000 کا، صحیح ہوگا۔ اچھا یہ لائٹ، یہ اس کا جو ہے نا وہ کنگیا اسٹیشن بکسا، یہ اسٹی مارکیٹ میں تقریباً 1,40,000 روپئے کا ہے، مگر آپ آئے ہیں آپ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ 1,20,000 روپئے کا ہو جائے گا۔ ہمارے ویورس کو آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے اور انشاءاللہ جانا ہے۔ اچھا یہ کنسول جو پڑا ہوا ہے، یہ کس کا کنسول پڑا؟ ہاں یہ سادہ والا ہے، یہ سادہ والا ہے، وہ جو ہے نا وہ کول باکس ہے۔ اچھا کول باکس، وہ نکال کے پھر لوگ جانا، یہ نکال کے وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لے جی ہم موجود تھے لینڈ کروزر ہاؤس میں، اور یہاں پہ آپ بھائی سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ شاپ نمبر 3 ہے خان پلازا، اور یہاں پہ تمام گاڑیوں کا سامان جو ہے نا، لینڈ کروزر 4x4 کا، مزید چھوٹا موٹا سامان جو آپ کو بتا نہیں سکے ہیں، لیکن آپ اس میں پکس میں دیکھ کے مزید معلومات لے سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے یہاں پہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے۔ اور لینڈ کروزر پراڈو وغیرہ کے جو بھی بھائی ہیں وہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھ کے جو ہے نا وہ بھائی سے رابطہ کریں، اور یہ لینڈ کروزر ہاؤس میں آپ دیکھ کے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اوکے جی، جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو سو مچ۔ اچھا یہ ٹائرز کا صرف بتائیں، یہ ٹائر جو ہے یہ چوکڑا کتنے کا مل جائے گا؟ یہ 5 ہے، یہ اسٹیپنی بھی ساتھ ہے، رنگ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ مکمل جس طرح پڑے گا 2.5 لاکھ روپئے کی۔ 2.5 لاکھ کا 5 ٹائر ملیں گے، ٹائر ریم مکمل، ٹائر ریم مکمل ملیں گے، اسٹیپنی سمیت لیں جی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ لے جی ویڈیو کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ، اور میرے چینل ہرفن مولا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ لے جی ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔